चेक करता हूँ न्यूज़ में क्या दिखा रहा है। कोरोना के कहर के साए में दुनिया, स्पेन और इटली सबसे ज्यादा इसका शिकार। भाई ये कोरोना वायरस तो तहलका मचा रहा है। इतना तो एमवी नहीं मचाया जितना ये मचा रहा है। हाँ यार, इसने तो सबकी हालत खराब कर दी। अपने मोहल्ले के गुप्ता जी को भी हो गया है। भाई इसके वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी नहीं मिल पा रहा हूँ। होंठ भी सूख गए हैं। नाम तेरा भोला है पर 24 घंटे तन्नाया तेरा लावड़ा है। वहां करोड़ों लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और तुझे होड़ गिल्ले करना है। अरे भाई, इस वायरस के चक्कर में मेरे दोस्त का काफी नुकसान हो गया। वो कैसे? भाई वो मास्क और सैनिटाइजर्स का धंधा करता था। सस्ते में खरीद के डबल प्राइस पे बेचता था, पर जब से सरकार ने प्राइस फिक्स कर दी है, बेचारा पागल हो गया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने लालच में अगर तुम मौत का खेल खेलोगे तो ऐसा ही होगा ना। जो चीज लोगों की जरूरत है वो चीज अगर तुम डबल प्राइस में बेचोगे तो लोग कैसे खरीदेंगे? बहुत अच्छा हुआ तेरे दोस्त के साथ, कुछ रुपयों का मुनाफा किसी की जान से बढ़कर नहीं। सही कहा। ये कौन है? मैं कलोना। कोरोना वायरस? हाँ, पर आवाज तो बच्चों वाली है। मैं 3 महीने का तो हूँ। अरे करो ना, मैं गुप्ता जी का दोस्त हूँ जिसने तुम्हें इस मोहल्ले में लाया है। मुझे छोड़ दो। ताया पिया तुक्ता गान मलाया गुप्ता। अरे करोना जी, अगर आप नशा करते हो तो मैं आपको चरस दिलवाता हूँ, पर आप मुझे छोड़ दो। तलत पिए वो जित की बीवी दो, एक लगाए बित्तल एक बोले लो। ये तो काफी पॉटी है। नॉटी होता है वो। यार तुम तो फैलते ही जा रहे हो। इतना तेज तो गूगल तेज नहीं जितना तेज ये है। यार तुम तो काफी खतरनाक हो। सिर्फ 3 महीना पुलाना हूँ जो आया है नजल, पन्ना जाने जमाने को क्यों लगता है मुझसे डल। पर ये मीडिया तो बोलती है तुम बहुत खतरनाक हो। नहीं भाई, मुत्ते बतना काफी आतान है। वो कैसे? दादा कुछ नहीं, लाइफ बॉय के चिंटू के तला अपने हाथों को धोते जा धोते जा धोते जा। साबुन से तो हमने भी बहुत धोया है, पर हाथ नहीं। पर सब तो कहते हैं सैनिटाइजर से हाथ धो। तैनी दादा तुम्हारे बद का नहीं, साबुन भी तलेगा। और तबते पहले तुम मुझसे इतना मत डालो ना, लोगों से थोड़ा दूर रहो ना, मास्क पहनो ना, सफाई रखो ना। ये तो आसान है यार, अपने गोले पे लगाम रखो ना। ये काफी मुश्किल है। कोरोना वायरस के कारण हर दिन हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा है इसलिए तुम्हारा ध्यान होड़ गिल्ला करने और काटने में मसरूफ है, पर उनका क्या जो दिन रात मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं। मजदूर मजदूरी करता है तो उसका घर चलता है, अगर फैक्ट्रियां ही बंद होगी तो उसका घर कैसे चलेगा। तुमसे घर बैठना नहीं हो रहा है और वहां डॉक्टर्स अपनी जान को दांव पे लगा के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं था, पर अब तो है। इस पल को दाया मत करो। ज्यादातर लोग बाहर ये देखने आते हैं कोई निकल तो नहीं रहा। इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा फायदा उनका हुआ है जिनकी नई शादी हुई है। वो कैसे? डेली 21 दिन गन लोड और रीलोड करेंगे। मानना पड़ेगा इनका कहर तो है। पहले कोरोना सुन के खड़ा होता था और अब कोरोना सुन के गांड पड़ती है। दल उन लापरवाह लोगों का है जिनकी लापरवाही से उनके घर वाले भी खतरे में पड़ सकते हैं। अपने घर में रहो ना, तभी दूर होगा कोरोना।